हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, जहाँ पे आज हम लेकर के आए हैं मार्केटिंग से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपका शॉर्ट नोट बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और साथ ही साथ एक लॉन्ग पेज क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे इमर्जिंग ट्रेंड्स जो है मार्केटिंग को लेकर के पूछे जाएंगे, जिसमें से एक जो है आंसर में आपको इसके बारे में भी लिखना होगा। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ माई ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है उसके बारे में आज हम जानेंगे, ग्रीन मार्केटिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ग्रीन मार्केटिंग होती क्या है? देखिए, आज के टाइम में हमने क्लाइमेट को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि अब हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े अपराधी हैं। तो जब भी हमारे सामने ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है जो कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए बना है, जैसे कि अभी रिसेंटली आज गणेश चतुर्थी है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो जैसे आज गणेश चतुर्थी है तो अब क्या हो गया है, पहले जो ट्रेंड था कि गणपति बप्पा की जो मूर्ति आती थी वो कोई भी मतलब कोई भी टाइप की आप लेके आते थे, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा डिमांड उस टाइप की मूर्ति की हो गई है जो कि इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली यानी कि जो हमारे क्लाइमेट को नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी हमने इतना ज़्यादा क्लाइमेट को नुकसान कर दिया है कि अब हमें लगता है कि यार थोड़ा थोड़ा अगर हम बचा सकते हैं तो हम बचा लें। मेरा गला ख़राब हो गया है तो थोड़ा सा आप जो है प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ग्रीन मार्केटिंग, तो कहीं ना कहीं अब ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसीलिए अब मार्केट में क्या होता है, कंज्यूमर ऐसा जो है प्रोडक्ट चाहता है कि जिससे जो है इन्वायरमेंट को और ज़्यादा नुकसान ना हो या फिर जो है कम नुकसान हो। तो इसीलिए मार्केटर्स जो है, यानी कि जो कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उन लोगों ने ये चीज़ समझी कि यार ये लोग जो है अब थोड़े से कॉन्शियस हो रहे हैं, थोड़े से इनके डिमांड में चेंज आ रहा है, थोड़ा सा जो है इनका प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो क्यों ना हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि आपका इको फ्रेंडली हो या फिर क्लाइमेट को कम नुकसान पहुंचाता हो। और जब ऐसे प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे कि आप जो है उसको और ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर अपनी मार्केट में दिखाओगे कि देखो हमने ग्रीन जो है प्रोडक्ट बनाए हैं, हमने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाए हैं, ताकि लोग उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएं, लोगों को लगे हाँ यार हमें भी अब यही खरीदना चाहिए ताकि जो है नुकसान कम हो, हमारे इन्वायरमेंट को और ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इसीलिए जो है मार्केटर प्रोड्यूसर क्या करते हैं, इस तरीके की मार्केटिंग करते हैं जहाँ पे वो अपने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं और कहीं ना कहीं जो है इस प्रोडक्ट की तरफ अपने कस्टमर का ध्यान आकर्षित करते हैं, उसको कहा जाता है ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग को आप ऑल्सो इन्वायरमेंटल मार्केटिंग और इकोलॉजिकल मार्केटिंग के नाम से जान सकते हैं। सो एग्जाम में अगर आपके पास आ जाए कि इकोलॉजिकल मार्केटिंग के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, तो आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करनी, आपको ग्रीन मार्केटिंग के बारे में ही लिख के आना है। इट इंक्लूड्स ऑल मार्केटिंग एक्टिविटी ऑफ अ फर्म दैट आर इंटेंडेड टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और लेसन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू कम कैपिटलाइज ऑन कंज्यूमर कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंटल इशू। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज जो है एक फर्म की वो इंक्लूडेड होती है, जहां पे वो क्या करते हैं, एक अपने प्रोडक्ट का जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो दिखाते हैं कि एनवायरनमेंट पे इसका ये पॉजिटिव इंपैक्ट है, या फिर जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है वो उसका लेसर वर्जन दिखाते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट जो है कम जो है नेगेटिव इंपैक्ट करेगा एनवायरनमेंट पे। तो इस तरीके से वो शो करते हैं ताकि कंज्यूमर का जो है एनवायरनमेंट के प्रति जो कंसर्न है उसको ध्यान में रख करके जो है अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करी जा सके। मोर एंड मोर कंज्यूमर आर कंसर्न about the natural environment and they prefer to buy eco-friendly or green product available in the market. अब क्या हो गया है, कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स क्या हो गए हैं, आपके इन्वायरमेंट के प्रति जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं, इन्वायरमेंट के प्रति ज़्यादा एक तरीके से कंसर्न हो गए हैं, तो इसीलिए जो है वो प्रेफर करते हैं इको फ्रेंडली गुड्स बाय करना या फिर ग्रीन प्रोडक्ट्स वाले गुड्स बाय करना जो मार्केट में अवेलेबल है। इसीलिए ग्रीन मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी डिजाइन टू जनरेट द फैसिलिटेट एनी एक्सचेंज इंटेंडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वॉन्ट्स सच दैट द सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज नीड्स एंड वॉन्ट अकर्स विद मिनिमल डिटर्मिनेटल इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी ग्रीन मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटी आपकी जो है डिज़ाइन होती है जिससे आप क्या कर सकते हो, एक एक्सटेंज इंटेंट जो कि ह्यूमन में सेटिस्फाई नीड दे कि हाँ भाई ये जो है गुड्स हमारे लिए बेटर है, तो वो सारी नीड्स उसमें जो है कंप्लीट कर सके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन मार्केटिंग आर एज फॉलो, जो आपके ग्रीन मार्केटिंग के ऑब्जेक्ट हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जो आपके कस्टमर की नीड है, उनकी वॉन्ट है इन्वायरमेंट को लेकर के, जो उनका कॉन्शियंस है कि भाई हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा नुकसान ना हो, तो उन लोगों की नीड एंड वॉन्ट को सेटिस्फाई करना।
टू डिज़ाइन प्रोड्यूस एंड सेल ईको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स विच विल रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल इन्वायरमेंट। और ऐसे गुड्स को डिज़ाइन करना, प्रोड्यूस करना और उनको बेचना जो कि ईको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ताकि जो इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, उस पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसको रिड्यूस किया जा सके। क्रिएट करना अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंटल बाई यूजिंग ईको फ्रेंडली प्रोडक्ट। साथ ही साथ लोगों को अवेयर करना कि भाई आप जो है ये सारे जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बाय कीजिए, ताकि जो है आपके इन्वायरमेंट में ज़्यादा असर, गलत असर ना पड़े, उसका जो है और ज़्यादा नुकसान ना हो। वेस्टेज रिड्यूस करना, टू रिड्यूस वेस्टेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट रिसाइकलिंग सिस्टम। और कैसे आप जो है उसका वेस्टेज रिड्यूस कर सकते हो, जो कि प्रोडक्ट यूज़ हो चुके हैं उसको रिसाइकल करके दोबारा से जो है एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, जहाँ पे आप जो है यूज्ड गुड्स का, यूज्ड प्रोडक्ट्स का जो है दोबारा से रिसाइकलिंग करके उससे नया कोई प्रोडक्ट बना करके निकाल सको। दस कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। और इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट की इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि वेस्टेज कम होगी तो वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट पर ही अच्छा असर डालेगी। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। इम्पॉर्टेंस क्या है ग्रीन मार्केटिंग की, सबसे पहला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने जो है अपने ही धरती पे इतना नुकसान कर दिया है कि नाउ इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको ठीक करें। क्योंकि कई बार आप क्या कर देते हो, इतना ज़्यादा नुकसान कर देते हो किसी चीज़ का कि आपको पता चल जाता है कि यार हाँ अब ये अकेले से तो ठीक नहीं होना, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं आपको एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करते हो कि भाई ये हमारी अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कम से कम नुकसान पहुँचाएं इन्वायरमेंट को। सो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन जो है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन के आता है एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके लिए कई सारे बिजनेस फॉर्म्स जो है इनिशिएटिव लेते हैं कि वो क्या करते हैं कि ग्रीन मार्केटिंग को, ग्रीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ताकि जो है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी अच्छा रख सके और साथ ही साथ जो है पब्लिक जो है जिनका एक कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को लेके कंसर्न है उनका भी, उनसे भी प्रॉफिट अर्न कर सके। सच फॉर्म इंजॉय ग्रेटर पब्लिक इमेज बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स फॉर ग्रीन मार्केटिंग। और साथ ही साथ जो है जो ऐसी कंपनी है जो ग्रीन मार्केटिंग को देखती है, ग्रीन मार्केटिंग करती है, उनके उनका जो है एक इमेज बहुत अच्छा बन के आता है। जैसे भी मैंने देखा था रिसेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी थी, तो उसने क्या किया, बॉटल जो प्लास्टिक बॉटल है उसको क्रंच करके, क्रश करके एक टी शर्ट में चेंज कर दिया। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ जब निकल के आएगी तो इन्वायरमेंट के प्रति जो लोग कंसर्न होते हैं उन्होंने क्या देखा कि यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, उस कंपनी की एक इमेज बिल्डिंग और अच्छी हुई, इमेज पहले से ही उसकी अच्छी थी अब और अच्छी हो गई कि यार ये तो बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो कंपनीज ऐसा काम करती है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने का, उनका इमेज मार्केट में बहुत बेटर हो जाता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट प्रेशर। गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि भैया आप जो है थोड़ा सा जो है ग्रीन मार्केटिंग या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ काम कीजिए। जैसे कि अभी क्या हुआ था इंडिया में रिसेंटली, क्या हुआ है पॉलीथीन्स पे बैन लग गया है, जो कि पता नहीं कितने सालों से लगता आ रहा है और हटता आ रहा है, लगता आ रहा है, हटता आ रहा है, पर अभी भी यूज़ हो रही है, स्टिल अभी भी यूज़ हो रही है। तो 1 जुलाई से मेरे ख्याल से ये न्यूज़ आई थी कि भाई 1 जुलाई से बिल्कुल प्लास्टिक बैन हो जाएगा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो जाएगा। तब उस टाइम पर अमूल जैसी कंपनियाँ जिनका पूरा पैकेज मिल्क होता है या चीज़ें होती हैं, वो पूरा पैकेज जो है वो पॉलीथीन्स टाइप का ही होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वन यूज़ सिंगल प्लास्टिक वाला यूज़ वाला सिस्टम। तो उसके लिए वो गए थे गवर्नमेंट के पास कि भैया हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं प्रेशर बना देती है कंपनीज के ऊपर कि भैया अब तुमको ये चीज़ यूज़ करनी बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड फॉर आर इन्वायरमेंट, ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत भारी नुकसान कर रही है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल कर लीजिए, यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा रुक जाइए। या फिर गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा जो है रूल्स आ जाते हैं, रेगुलेशन आ जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं कंपनीज को उसको कन्वर्ट करना पड़ता है और जो है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ों से हटना पड़ता है। गवर्नमेंट एजेंसीज have created many regulation to control hazardous waste produced by industry. Government agencies ने क्या किया है, काफ़ी regulations बनाए हैं जो कि control करता है किस चीज़ को, hazardous waste जो होता है जो कि industry द्वारा produce की जाती है। These regulations seek to protect consumer and society from negative impact of business activity on the environment. अब ये रेगुलेशंस क्या करते हैं, सीक टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं किससे, कंज्यूमर एंड सोसाइटी को, किस चीज़ से, जो भी इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उस बिजनेस एक्टिविटी की वजह से, उस सब से। नेक्स्ट इज़ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब जो पर्सन एक अच्छा, जो कंपनी एक अच्छा काम कर रही है, सो ऑब्वियसली आप एज अ कंज्यूमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे कि हाँ भाई ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा काम कर रही है, तो बिजनेस के लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती है। बिजनेस फॉर्म कंसीडर ग्रीन मार्केटिंग एज एन अपॉर्चुनिटी एज अ कॉन्सेप्ट इज गेटिंग पॉपुलर विद द कस्टमर। और बिजनेस भी अब कहीं ना कहीं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हैं, एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, बिकॉज मैनी पीपल इन आर कंट्री, नॉट जस्ट इन आर कंट्री बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड, आर गेटिंग कंसर्न अबाउट द
एनवायरमेंट, और वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेटर है. सो जस्ट लाइक दैट, एक आपने देखा होगा ममाज अर्थ का एक ऐड आता है जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं एंड पेड़ भी उगाते हैं. तो ये आप जो है, आपको जो है ये चीज़ माइंड में हिट कर जाती है कि यार ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं. तो आप क्या करते हो, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा काम कर रहे हो तो आप वो प्रोडक्ट लेते हो. एक और मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था कि वो पेंसिल थी, ठीक है, जिसके अंदर ना सीड लगे हुए थे, सीड्स यानी कि बीज थे. तो जब वो पेंसिल आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या इतनी हो जाती है दैट यू कैन नॉट यूज़ इट फर्दर, सो वट यू कैन डू इट इज उसको जो है आप प्लांट कर सकते हो और उसमें से जो है पौधा निकल के आएगा, तो उससे जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो. मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी पर्सनली, मुझे देख के भी अच्छा लगा. तो हमारे आसपास अगर मिलती तो हम ज़रूर लेते. अभी वो शायद इंटरनेशनल ब्रांड है, नेशनल है तो मुझे पता नहीं, आप ज़रूर देखिएगा. तो ये क्या है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की तरह लोगों ने इस चीज़ को देखा है, यानी लोगों ने मतलब कंपनीज ने, सॉरी. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. अब देखो, अब ऐसी कंपनीज जो है पेंसिल वाली ही अगर हम ले लें एग्जांपल, तो वैसी कंपनी की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होगे, वो प्रोडक्ट लोगे, तो इसका जो उस पेंसिल वाले का जो भी कॉम्पिटेटिव होगा, जैसे लेट सपोज यही कॉम्पिटेटिव है, तो इसके जगह आप उसको प्रेफर करोगे. तो यहाँ पे क्या है, उस कंपनी को एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिला है. एडवांटेज मिला है किससे, कॉम्पिटिशन का जो भी मार्केट है उसके तरफ से ज़्यादा बेटर एडवांटेज मिला है. फर्म्स मार्केटिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड सर्विस विल हैव अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ओवर फर्म्स मार्केटिंग नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. यानी कि उन कंपनी को ज़्यादा एक बेटर एडवांटेज मिलेगा, एक अच्छा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा कि इन कंपनी को जो कि एक इन्वायरमेंटल की तरफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कंपेयर टू किन कंपनीज के जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं बनाते. नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस. अब जब आप चीज़ें जो है रीयूज कर रहे हो, रिसाइकिल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको नए इनपुट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, न्यू रॉ मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी. अब मुझे अगर यही रजिस्टर बनाना है, इसी रजिस्टर का मैन्युफैक्चर करना है, तो मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे. लेकिन मुझे वो रिसाइकिल वाला रजिस्टर जो काले काले पन्ने होता है, जो कि अच्छा लगता है, मुझे तो उस पर काम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वीडियो उस पर ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी बनेगी नहीं, इसलिए मुझे ये यूज़ करने पड़ते हैं. तो आप क्या कर सकते हो, वो पेपर जो है अगर आप मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको क्या होगा, उस पर कम कॉस्ट लगेगी. यही रजिस्टर अगर मैं मार्केट में लेने जाऊँगी तो हो सकता है 40-50 रुपीज़ का मिले, जो कि सिर्फ इतना सा पतला है, और वहीं अगर मैं वो रिसाइकिल वाला लेने जाऊँगी तो 20 रुपीज़ में इतना मोटर रजिस्टर्ड आता है. सो दैट इज़ वट कॉस्ट इफेक्टिव आपकी बन जाती है. वहीं आप जो है रिसाइकिल कर रहे हो मटेरियल को, कॉस्ट इफेक्टिव आपको बनता है, कॉस्ट जहाँ पे कम लगती है. ग्रीन मार्केटिंग इन्वॉल्व रिसाइकिल ऑफ सर्टन मटेरियल, रिसाइकल्ड मटेरियल वन चीपर एज कम्पेयर टू नॉन रिसाइकल मटेरियल. तो जो रिसाइकल मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, कम सस्ते होते हैं, किससे, उनके जो बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर 4 आवर्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग. ग्रीन मार्केटिंग के 4 आवर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 आवर जो क्या है, रिड्यूस रिसाइकल पेपर, रिसाइकल अदर मटेरियल एंड रीयूज. रिड्यूस यानी कि आप जो है पैकेजिंग में कुछ जो है बहुत ज़्यादा पहले अपना गंद मचा रहे थे, अब आपने उसको रिड्यूस कर दिया, सिंपल कर दिया, और कम प्रोडक्ट उसमें लग रहा है. सो रिड्यूस द क्वांटम ऑफ पैकेजिंग ऑन आइटम आइदर परचेज और प्रोड्यूस फॉर रीसेल. ठीक है, भले ही आपने परचेज किया या फिर जो है प्रोड्यूस किया फॉर रिसाइकल रीसेल, तो आपने क्या किया, वहाँ पे उसमें थोड़ी सी कमी ला दी. उसके बाद रिसाइकल पेपर जैसे कि हम सबके घरों में होता है, कहीं से कोई गिफ्ट आता है तो उसके ऊपर जो होता है गिफ्ट रैपिंग जो लगी होती है वो उतार करके हम लोग साइड रख लेते हैं ताकि उसको बाद में यूज़ कर सकेंगे, तो वो क्या है, रिसाइकल पेपर. व्हाट वी आर डूइंग इज रिसाइकलिंग दैट. सो रिले और रिसाइकल मटेरियल ऑफ फॉर प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड ऑपरेटिंग सप्लाइज. तो यानी कि आप जो है प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए या फिर इन सब चीज़ों के लिए रिसाइकलिंग का मटेरियल का यूज़ कर रहे हो. नेक्स्ट इज रिसाइकल अदर मटेरियल. अब रिसाइकल कर रहे हो कुछ अलग मटेरियल, जैसे कि बिसाइड रिसाइकल पेपर एंड रिलेटेड आइटम मैनी रिसेलर रिसाइकल्ड बेवरेज कंटेनर एंड अदर फॉर्म ऑफ पैकेजिंग. ठीक है, जैसे कि बेवरेज के कंटेनर्स आप रिसाइकल कर रहे हो या अदर फॉर्म ऑफ पैकेजिंग जो है आप जो है रिसाइकल कर रहे हो, तो वो सब भी आप रिसाइकल कर सकते हो. जैसे कि आपने देखा होगा कोका कोला की बॉटल, आजकल तो बहुत कम हो गया है, जब मैं छोटी थी ना तब हम जो थे कांच की एक बॉटल आती थी, ठीक है, कोका कोला की भी नहीं, एक कांच की बॉटल आती थी, वो थोड़ा सा टेस्ट कुछ कोल्ड ड्रिंक जैसा ही होता था, है मस्त होता था, उसमें कंचा होता था, उसको आप ऐसे थंब मार के अंदर करते थे, कंचा अंदर जाता था, आप पी लेते थे एंड देन वो बॉटल आप वापस शॉपकीपर को दे के आते थे.
जो है वो उसका थोड़ा सा एडवांस रख लेता था, जब आप बॉटल देने जाते थे वो आपको पैसे वापस कर देता था। तो ये क्या होता है, अब वो बॉटल वापस जाएगी कंपनी के पास, वो उसको वापस रीफिलिंग करेंगे एंड देन वापस उसका सप्लाईज कर देंगे। तो ये क्या है, रिसाइकिल हो रहा है अदर मटेरियल। अगर ऐसे वो कांच की बॉटल बनाने लग गए तो ऐसे तो पता नहीं कितना लोग मतलब कांच की बॉटल खरीद खरीद के फेंक देंगे, रोड पर टूटी हुई पड़ी हुई मिलेंगी, तो इसलिए वो वापस ले ली जाती हैं। अभी भी जो है मेरे ख्याल से थोड़ा आता होगा कोका कोला टाइप का, बट इतना मैंने देखा नहीं है अपने आसपास, तो हो सकता है आता हो बट हमने हमारी नज़र में अब नहीं आ रहा। नेक्स्ट इज योर रीयूज। रीयूज यानी कि सम मार्केटर आर्ग्यू कस्टमर टू रीयूज रेदर देन डिस्कार्ड एम्प्टी पैकेजेस सच एज ग्लास जार्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स एज दी कैन बी यूज्ड फॉर रिफिलिंग पर्पस। अब क्या है, सब मार्केटर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर को बोलते हैं कि भाई आप इसको जो है रीयूज़ करो, इसको जो है फेंको और डिस्कार्ड मत करो, बल्कि इसका रीयूज़ करो एम्प्टी पैकेजेस का, जैसे ग्लास के जार है, ठीक है। अब आप जो है कांच की बोतल आती है उसकी आपकी अचार की, या फिर प्लास्टिक की बॉटल आती है अचार की, तो वो क्या करते हैं कि भाई आप इसको रीयूज़ करो, एक बॉटल भी मिल रही है आपको, आप इसको रीयूज़ करो ताकि उसको रीफिलिंग के पर्पज से आप उसको यूज़ करो। तो ये सब क्या है, रीयूज़। ओके, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लेट्स टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।